अभी तक कोई संत मिले नहीं है और हम इस जंगल के बीच में जा रहे हैं। अभी घूमते घूमते कहाँ आ गए मुझे भी पता नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरफ से रास्ता है, कोई कुछ पता नहीं चल रहा है। तो बोले आप जाओ चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर, राम अर्चा महायज्ञ भक्तों के द्वारा हम लोगों का भरण पोषण चल रहा है। कोई भगत जो है आटा दे देता है, कोई दाल देता है, जी के उस पार पूरा निशान है तो उसमें बड़े बड़े जो है नखी जानवर भी है, कभी शेर भी आ जाता है, सुअर भी है। उसके पौधा है, इसमें कमल खिलते हैं, ये चाठी घाट इसका नाम है। कोई पंखा वंखा लाइट वाइट का साधन नहीं है। अच्छा अच्छा, तो जमीन में लेट करके ऐसे सोते हैं। आप सोच रहे होंगे प्रवीण इस जंगल में कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है। तो मैं बताऊँ आपको, ये जंगल सुनसान है और मैं अभी चित्रकूट में हूँ और मुझे जाना है ताठी घाट। उच्चारण में कुछ गलती हो तो माफ़ करें। ये ताठी घाट चित्रकूट में पड़ता है और आप लोगों के मन में भी ख्याल आता होगा, जो त्रेता हो चाहे द्वापर हो, उस टाइम पे भी संत लोग साधना करते थे जंगलों में और राजा लोग संत से मिलने यही जंगल आते थे। पर अभी वो समय कहाँ है, कैसे है, तो हम उसी समय को याद कराने और उसी समय को दिखाने आपको हम ताठी घाट जा रहे हैं। और इस विरह जंगल आप देख रहे हैं कितना सुनसान जंगल है, इस जंगल में कोई आता नहीं है और इसी जंगल में साधु संत लोग रहते हैं और अपनी तपस्या करते हैं। और जितने भी लौकिक बड़े बड़े लोग हैं, धन संपत्ति से परिपूर्ण लोग हैं, वो इस जंगल आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं और अपनी जो दुख और दर्द होता है वो साधु संत के सामने रखते हैं और उसके सामने प्रकट करते हैं। तो हम उसी संत से मिलने जा रहे हैं और ये आप दृश्य देख सकते हैं किस तरह से ये सुनसान जंगल है। और इस सुनसान जंगल में हम जा रहे हैं, वहाँ कोई है ही नहीं और आप देख सकते हैं किस तरह से है। और इसी जंगल में साधु संत लोग रहते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को आज दिव्य साधु संत से दर्शन करवाएंगे, कैसे रहते हैं वो दिखाएंगे, किस तरह से वो अपने जीवन यापन करते हैं और भगवान से मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके हम साधु संत से मिलेंगे। अभी तक कोई संत मिले नहीं है और हम इस जंगल के बीच में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी जैसे ही कोई संत की कुटिया मिलेगी हम वहाँ रुकेंगे, संत जी से बात करेंगे। आप देख सकते हैं अभी घूमते घूमते कहाँ आ गए मुझे भी पता नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरफ से रास्ता है, कोई कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन जाएंगे। देख रहे हैं किधर से रास्ता निकल रहा है, शायद ये एक रास्ता है जहाँ से हो सकता है जो हम किसी संत के पास पहुँच सकें। देखते हैं क्या है। चलिए जैसे कोई संत देखेंगे हम वहाँ बातचीत करना चालू करेंगे। मुझे लगता है थोड़ी दूर आगे कोई संत मिलेंगे तो फिर उनसे हम बात करेंगे। चलते रहिए। अभी हम ताठी घाट में आ गए हैं और हमारे साथ संत जी महाराज हैं। और यहाँ आने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है जो आप दुनिया की जितनी भी परेशानियाँ हैं ना, सब आप वहीं पे भूल जाओ। और यहाँ आने के बाद तो आपको कुछ गम, तनाव, डिप्रेशन कुछ नहीं रहेगा। हमारे साथ महाराज जी हैं। तो महाराज जी, सबसे पहले मुझे इस स्थान के बारे में बताइए जी। हमारा ताठी घाट जो है सनातन अनादिकाल से चल रहा है। अच्छा। जब संसार में जो है महान प्रलय हुई है तो समय भगवान विष्णु भगवान अपने क्षीर सागर में वास करते थे, लक्ष्मी पौध दबा रही थी। उस समय जो है यहाँ पर संत तपस्या करते थे तो विष्णु लोक से जो है यहाँ पर भोजन आते थाली रख करके, सोने की थाली चांदी का लोटा, उसमें संतों के लिए भोजन आता था। यहाँ पर जहाँ मुख्य ताठी घाट है यहाँ
वहाँ कमल के फूलों के बीच में जो है टाठी भोजन करके गंगा जी को अर्पण की जाती थी। साधु महात्माओं को धन संपत्ति सोने चांदी का क्या करना है, भोजन से मतलब था। तो इसका नाम उसी काल से जो है टाठी घाट पड़ गया। एक समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में पड़े हुए थे और संसार में महान प्रलय थी, कोई मनुष्य नहीं था। जलचर थलचर नरचर नाना जेतन जीव जहाना, यानी कोई जीव जंतु कोई नहीं था, जंगल था और पानी था संसार में। तो भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल निकला, कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि तुम जाओ संसार में सृष्टि का संचार करो। तो ब्रह्मा जी 3 लोग 14 भुवन में गए, लेकिन उनको जो है बुद्धि खुली नहीं है। तो उन्होंने जाकर भगवान से कहा, विष्णु भगवान से, कि सरकार हमारी तो बुद्धि काम ही नहीं कर रही है, हम क्या करें। तो बोले आप जाओ चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर, राम अर्चा महायज्ञ का आयोजन रखें आप। तो भगवान ने यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी ने राम अर्चा की है टाठी घाट में। जब टाठी घाट में राम अर्चा की है तो उनकी बुद्धि तीव्र हो गई, खुल गई बुद्धि। तो फिर उन्होंने सृष्टि जो है संचार किया है, इसका नाम अनादिकाल से टाठी घाट चला। ये स्थान के हिसाब से हम लोग भी टाठी घाट में बास करते हैं, भगवान के भरोसे रहते हैं। पहले विष्णु भगवान जो है भोजन देते थे माता हमारी लक्ष्मी जी, लेकिन अब भगवान की प्रेरणा से भक्तों के द्वारा हम लोगों का भरण पोषण चल रहा है। कोई भगत जो है आटा दे देता है, कोई दाल देता है, इसी प्रकार से भरण पोषण चल रहा है। और जिस जगह पर आप बैठे हो मैन टाठी घाट है, ये सामने कुटियाँ बनी है, ये बरसाती का झोपड़ा है हम लोगों के पास, ये वाला हाँ जी बरसाती का झोपड़ा है। इधर भी कुटियाँ हैं, पीली पन्नियाँ नहीं चढ़ी हैं। अच्छा। तो हम लोग तपस्वी भी इसमें हैं। जिस प्रकार भगवान से कहा था माता जी ने, कैकेयी ने, कि किस प्रकार से रहना है, तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तुम्हें वनवास में रहना है, गांव में नहीं रहना है, किसी में नगर में नहीं रहना। तो हम लोग वनवासी हैं सब। इसके लिए जब हम आए तो यहाँ से 5 किलोमीटर अंदर कोई सुनसान, हाँ यहाँ पर हिरण भी है, हाँ हिरण देखा, हाँ हिरण भी है, 12 सिंगा भी है यहाँ पर। अच्छा। और जो जंगल सामने दिखा रहा है पूरा गंगा जी के उस पार पूरा दिशा में, तो उसमें बड़े बड़े जो है नखी जानवर भी है, कभी शेर भी आ जाता है, सुअर भी है, हाँ चीता भी है, सब कुछ, हाँ सब बाघ। डर नहीं लगता है? नहीं, वो भगवान रक्षा करने वाले हैं, भगवान राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरे आए, वो तुलसी प्रभा बागन के सींच थी कुमला। देखो इस भोटी के ऊपर पेड़ फड़ी है, इसको कौन पानी पिलाता है, परमात्मा पिलाता है, रक्षा कौन करता है, परमात्मा करता है। तो राम भरोसे भी रहे पर्वत पे हरे आए, वो तुलसी प्रभा बागन के सींच थी कुमला। बगैचा के जो है वृक्षाखों जो है आप पानी डालोगे फिर भी सूख जाते हैं। तो हम लोग तो परमात्मा की शरण में हैं और परमात्मा हमारे रक्षक हैं, परमात्मा हमारे पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं। महाराज जी हमने देखा ये नदी, ये कौन सी नदी बह रही है? मंदाकिनी के नाम से, सुर सर धार नाम मंदाकिनी, पातक पोतक डाकनी। सुर माने होता है देवता, देवताओं की पुत्री है, नाम मंदाकिनी है, जो पापों को निगलने वाली है। जो आप पाप 24 घंटा में करते हो, एक बार नहा लो, एक वर्ष के पाप निगल पैदा कर देते, पातक पोतक। तो हम चले दर्शन करें क्या? चले, हाँ, दर्शन चले, चले आप, हाँ, चले। और जो चले। है वहाँ पर नीलकमल भी है। अच्छा, चलिए दर्शन करते हैं। अभी हम जा रहे हैं शांति जी के साथ दर्शन करने मंदाकिनी नदी का। तो चलिए, बगल में ही मंदाकिनी नदी है। अभी हम मंदाकिनी नदी का दर्शन करने वाले हैं। ये शांति जी हैं। तो महाराज जी ये मंदाकिनी, ये मंदाकिनी गंगा है। अच्छा। मंदाकिनी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा। हमारे सनातन धर्म में जो है जितने भी ग्रंथ हैं, रामचरितमानस में भी वर्णन आया है मंदाकिनी गंगा है। अच्छा। जो सामने दिख रहे हैं भक्तों को देखें, हाँ। ये पत्ते दिख रहे हैं, ये कमल के हैं। अच्छा, ये कमल के हैं। हाँ, इसमें कमल खिलते हैं। अच्छा, हाँ। तो भगवान विष्णु को कमल बहुत प्रिय है। अच्छा। तो ये कमल के पौधा है, इसमें कमल खिलते हैं, ये टाठी घाट इसका नाम है। अच्छा अच्छा। तो
ये कहाँ से कहाँ तक है इधर जी? वो आगे से निकली हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अनसुईया आश्रम से निकली हैं। अनसुईया आश्रम से तो आप लोग स्नान भी करते हैं तो इधर ही स्नान करते हैं? हाँ, इसी घाट में स्नान करते हैं। और उस पार क्या है? उस पार जंगल है। अच्छा, बहुत बड़ा जंगल है उस पार। जंगल है हाँ, कई किलोमीटर तक जंगल है। हम लोगों ने मंदाकिनी नदी का दर्शन किया, तो चलिए अब ऊपर चलते हैं हम लोग और फिर महाराज जी से हम लोग बात करेंगे। और ये कमल लाए हैं महाराज जी। कमल है क्या? अच्छा, आप देख सकते हैं ये कमल है। हाँ हाँ, तो अभी हम लोग कुटिया देखने वाले हैं संत जी का, कैसा कुटिया होता है अभी आप देखिए। मंदाकिनी नदी के घाट पे कुटिया, कौन सा कुटिया ये है महाराज जी? हाँ जी, हाँ जी, कुटिया हमारी है, सामने दिख रही है ये वाली। हाँ जी, पीली पर पन्नी चढ़ी हुई है। अच्छा, तो कैसे रहते हैं इसमें? हाँ, इसी में रहते हैं, कोई पंखा वंखा लाइट वाइट का साधन नहीं है। अच्छा अच्छा, तो जमीन में लेट करके ऐसे सोते हैं। अच्छा, तो ये अभी बंद है? हाँ, तरह। अच्छा अच्छा अच्छा, तरह इसलिए लगा है कि बंदर घुस जाते हैं। अच्छा अच्छा, कपड़ा फाड़ देते। तो इस तरह से महाराज जी यहाँ पे रहते हैं? हाँ, इसी में जो है गुजारा करते हैं। बरसात तपती भी होता है, पानी भी गिरता है तो चूती है, तो कोई परेशानी होती है। हाँ, कोई भगत टीनी डरवाने की इच्छा करे तो सेवा कर सकता है। आप लोग से भी आग्रह, जब कभी आप धन पुण्य की बात करते हैं तो और जगह करें ना करें, संत लोगों की सेवा जरूर करें। और जब कभी चित्रकूट आते हैं तो ताड़ी घाट आइए, और आपके मन को तो शांति मिलेगी, वो तो मिलेगी ही। और यहाँ आने के बाद साधु संत लोगों का सेवा कीजिए, जो परेशानियाँ होती है जो स्वेच्छा भाव लगे वो कीजिए, और संत लोगों का सेवा कीजिए, उससे आपको भी पुण्य मिलेगा। हाँ, आप लोगों की इच्छा हो किसी भगत की तो पाँच टीन लगेंगे, इसमें पाँच टीन डरवा दें, भगवान की कृपा से आप भी आनंद करें, हम भी आनंद में रहें। बिल्कुल, तो बसर तो कर ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुटिया का नाम हमारा है बनवासी, बनवासी कुटिया, बनवासी कुटिया है, मक्खनदास बनवासी नाम से हम प्रसिद्ध हैं। अच्छा 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 अच्छा, मक्खनदास बनवासी। तो महाराज जी आप कैसे संत बने? हम काफ़ी दिन हो गए, हम जो है गांव से निकल के आए हैं। हाँ, इलाहाबाद पढ़ने के लिए जा रहे थे। अच्छा, कौन सी क्लास में? दसवीं से। अच्छा अच्छा, दसवीं में। हाँ, तो हाई स्कूल करके वहाँ से इलाहाबाद जा रहे थे नाइन्थ में पढ़ने के लिए। हाँ, तो कर भी उतर के साधु बन गए थे। अच्छा, तो साधु बनने का कारण क्या था? कुछ नहीं, वैराग्य उत्पन्न हुआ है, संसार नासमान चीज है, परमात्मा। तो वैराग्य, वैराग्य कैसे उत्पन्न हो गया अचानक? आप दसवीं पढ़ने जा रहे थे। अपने आप होता है वैराग्य। अच्छा, वैराग्य अपने आप। जब वैराग्य होता है तो संसार में कुछ नहीं दिखता है भगवान की सिवा। तो महाराज जी, जब लोग दसवीं में पढ़ते हैं तो कॉलेज लाइफ में तो लोगों को गृहस्थ जीवन करने का शौक होता है। साधु सेवा की है पहले से, बचपन से। अच्छा, बचपन से ही साधुओं के साथ में रहे हैं, बड़े आश्रम में। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद में 40 वर्ष यहाँ पर हो रही है चित्रकूट में जीवन व्यतीत होने के लिए। तो आपने दसवीं किया या दसवीं से पहले ही साधु बन गए? नहीं, नहीं हो पाई दसवीं। दसवीं नहीं हो पाई? नहीं। अच्छा, 20 साल की उम्र से ही निकले। कितने? 20 साल। 20 साल की उम्र से ही? 18-19 साल। तो यही पे आ गए? हाँ, चित्रकूट। तो अभी परिवार वाले से कोई संबंध नहीं? कुछ संबंध नहीं परिवार। तो उन लोगों को मिलने की चाहत होती है जो हम मिले? जाते आते हैं वो लोग आते हैं यहाँ पे? आते आते हैं, पिता भी खत्म हो गए, माता भी खत्म हो गई हैं। अच्छा अच्छा, चाची चाचा काफ़ी लोग परिवार को। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी कुटिया में जो है अपना बसर करते हैं। गंगा जी में स्नान किया, सुबह 12 बजे भोजन करते हैं, दो रोटी खा करके 24 घंटा के लिए स्वतंत्र। बहुत शांति मिलती होगी आपको? रात में बड़ा आनंद आता है, रात को आनंद होती है। हाँ, मैंने देखा करिए। हाँ, जो यहाँ आएगा वो आनंद लेगा। टाठी घाट है, टाठी घाट है, ये तपु स्थली है चित्रकूट में, पहला नंबर टाठी घाट तपु स्थली है। अच्छा, यहाँ पर भगवान रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय श्री राम।